नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल कुछ अच्छा बनाते में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दूध से मावा बनाने की रेसिपी। 1.5 लीटर दूध है ये हमारा। ये मैंने गाय और भैंस दोनों का मिक्स दूध लिया है, आप किसी का भी ले सकते हैं। और इसका हम मावा बनाएंगे। तो मावा बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं ये आपको प्रोसेस थोड़ा सा कट कर करके दिखाऊंगी, क्योंकि पूरा प्रोसेस दिखाना पॉसिबल नहीं है। ये दूध मैंने एक कढ़ाई में चढ़ा दिया है, अब हम इसमें एक बॉयल आने देंगे और इसको हमें दूध को कंटिन्यूसली चलाते हुए मावा बनाना है। अगर आपको रसगुल्ले या बर्फी के लिए मावा बनाना हो तो आप इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए बनाएं, और अगर आपको इस दूध की अगर रबड़ी के लिए इसको रिड्यूस करना है तो आप इसको छोड़ भी सकती हैं, तो मावा वो भी तब भी मावा अच्छा बनेगा। लेकिन अगर आपको रसगुल्लों के लिए बनाना है तो आपको इसको कंटिन्यूसली चलाना पड़ेगा, क्योंकि मावे में दाना नहीं आना चाहिए। रसगुल्ले के लिए हमें वैसा ही मावा चाहिए होता है, तो हम इसको चलाते हुए बॉईल करेंगे। देखिए हमारा दूध बॉइलिंग पे आ गया है। अब बस आप इसकी फ्लेम को, अगर आप कंटिन्यूसली अच्छे तेज स्पीड में इसको चलाते हैं तो आप इसकी स्पीड को फुल रख सकते हैं, और अगर आपको बिना चलाए से थोड़ी थोड़ी देर में रुक रुक कर अगर चलाना है तो आप इसकी फ्लेम को हल्का सा स्लो कर लें, थोड़ा सा बिल्कुल से, और इसको इस तरह से चलाते हुए, क्योंकि इस दूध को बीच बीच में आप अगर छोड़ के भी चलाएं तो बीच बीच में 1 मिनट के बाद आप इसको चला दें। देखिए दूध को पकते पकते हमारे 10 से 12 मिनट के करीब हो गए हैं। इसको हमें ये साइड में लग जाता है ना, इसको आप इससे कढ़ाई जो जो आपने चम्मच ली है ना, इससे इस तरह से निकालते जाएं। ये गरम गरम में निकलता जाता है, बाद में अगर आप निकालेंगे ना तो ये निकलेगा नहीं। इस तरह से चलाते हुए देखिए हमारा दूध काफी रिड्यूस हो चुका है। और वैसे भी तीज त्योहारों पे हमें मावा ज्यादातर घर पे ही बनाना चाहिए, क्योंकि जो मार्केट में मावा मिलता है ना वो कई बार मिलावट वाला भी मिलता है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। इसलिए जहां तक कोशिश करें त्योहारों के टाइम पर मावा आप घर पे भी बनाएं, और ये मावा बनाने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं आती। एक साइड आप मावे को चढ़ा दें और दूसरी साइड आप कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। इस तरह से आप बीच बीच में इसको चलाते रहें तो आपका आधा पौन घंटे में मावा बन करके तैयार हो जाएगा। अगर आप मिल्क पाउडर से मावा बनाना चाहें तो वो और जल्दी बन जाता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन दूध के मावे की बात ही अलग होती है। तो इस तरह से आप बनाइए घर पे मावा, और फिर जो भी आप मिठाई बनाना चाहें वो मिठाई से बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे मावे को पकते पकते पूरा 25 मिनट हो चुके हैं, और 25 मिनट में ये हमारा दूध जो है वो आधा हो गया है। ये देखने में भी इसका ये कितना गाढ़ा गाढ़ा सा लगने लगा है, उसका कलर भी चेंज हो गया है, क्योंकि मैंने इसको कंटिन्यूसली तेज आंच पर पकाया है चलाते हुए। तो ये हमारा मावा जल्दी बन करके तैयार हो जाएगा। देखिए मावे को पकते पकते हमारे दूध को पकते पकते पूरे 35 मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये नीचे एकदम से लग जाएगा। अब हम इसको कंटिन्यूसली इसी तरह से चलाते हुए हमको पकाना है। तो ये लास्ट में जो ये बचता है ना गाढ़ा गाढ़ा दूध, इसको हमको पूरे टाइम चलाते हुए पकाना है, क्योंकि ये ऊपर की साइड उचकता भी है और जल्दी से नीचे चिपक भी जाता है। तो देखिए हमारा मावे में इस तरह से जो ये बबल बन रहे हैं ना, तो आप गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम टू हाई पे कर लें, मतलब बीच का कर लें आप गैस को, थोड़ा सा धीमा करके, क्योंकि हाथों पे भी लगता है, तो उसको आराम से फिर आप धीमे धीमे थोड़ा सा बचते हुए चलाएं, क्योंकि ये हाथों पे लग जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा जलन होगी, क्योंकि आप ही का रह गया है तो बस इसका पानी सूख जाएगा। देखिए ये बबल इसमें से निकल रहे हैं, अब आप इस तरह से आराम आराम से चलाते रहिए, और चाहिए तो अगर ज्यादा हो तो आप इसको स्लो भी कर सकते हैं। देखिए हमारे दूध का ये जो मावा है, मावे का दूध जो था ना, जो बबल बन के उठ रहा था, वो एकदम से दूध रिड्यूस हो चुका है। मावा हमारा एकदम से बन के तैयार है। अगर आपको रसगुल्ले के लिए मावा रखना है तो आप इस मावे को इतने में ही फ्लेम को ऑफ कर दें, और इस मावे को आप ज्यादा नहीं पकाएं, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और भी गाढ़ा हो जाएगा,
और अगर आपको मावा पेड़े बनाने के लिए या और कुछ लड्डू मावा के लड्डू वगैरह बनाने के लिए चाहिए है तो आप इसको थोड़ा सा और गाढ़ा कर दें। मैं इसको थोड़ा सा और गाढ़ा करूंगी इसी तरह पकाते हुए, और आपके जो साइड में भी लगा हो ना कढ़ाई में, आप वो भी अपनी चम्मच की तरह हेल्प से इसको साइड से पूरा स्क्रैप कर लें, इस तरह से पूरा निकाल लें, क्योंकि अभी गरम गरम में वो मावा निकल जाता है, ठंडा होने के बाद अगर आप चाहेंगे ना फिर वो नहीं निकलेगा। तो इस तरह से साइड से भी पूरा अच्छे से निकाल लें, कढ़ाई भी छोड़ दी है। तो मेरा ये गाय और भैंस दोनों का दूध मिक्स था, इसलिए मेरा थोड़ा सा मावा कम बना है। अगर ये आप फुल क्रीम मिल्क अगर भैंस का लेंगे ना तो ये आपका मावा बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, अच्छी क्वांटिटी में बन करके तैयार होगा। फ्लेम को बंद कर देंगे, और फ्लेम बंद करने के बाद आप एकदम से इसको ऐसे ही कढ़ाई में न छोड़ दें, नहीं तो ये नीचे से लग जाएगा। इसको थोड़ी देर के लिए आप इसी तरह से चलाते रहें। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मावा बन करके तैयार हो गया है। तो इस तरह से आप मावा बनाइए, और अपने त्योहारों पे ये घर के ही बने मावे को यूज कीजिए, तो आपकी मिठाइयाँ बहुत अच्छी और बहुत ही स्वादिष्ट बन करके तैयार होंगी। तो प्लीज मुझे बताइएगा जरूर, आपको मावा बनाने में कोई परेशानी तो नहीं आई, क्योंकि इसमें सीधा सीधा है, कुछ परेशानी वाला कोई बात ही नहीं है। तो इस तरह से मावा बनाइए, मुझे बताइएगा जरूर कि आपको मेरी ये मावा बनाने की रेसिपी कैसी लगी। अब हम मिलेंगे अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय।